राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। आज हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी से। आलोक कुमार जी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं, कानून के जानकार। और जब कोई व्यक्ति कानून का जानकार होता है तो वह राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा अच्छी बातें ही सोचता है। हम सर्वप्रथम स्वागत करते हैं आलोक कुमार जी, धन्यवाद आपको राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में। हम आज आपसे बात करेंगे, जो भारत जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज यह अपने उस स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम भारत को सर्वप्रथम कैसे बना सकते हैं? मैं सोचता हूं कि सर्वप्रथम होने की यात्रा ये शुरू हो गई है। पिछले कुछ सालों से भारत समस्याओं से भाग नहीं रहा है, सामना कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय एकता में, एकात्मता में बाधा थी धारा 370। बहुत डराया जाता था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरब देश तेल देना बंद कर देंगे, पश्चिमी देश समर्थन नहीं करेंगे, भारत में दंगे नहीं होंगे। साहसपूर्वक 370 समाप्त कर दी, साहसपूर्वक CAA का कानून लेकर आए, राम जन्मभूमि का कोर्ट से निर्णय हो गया। इतिहास गवाह है कि मनमोहन सिंह जी के समय में जब चीन LOC के इधर आ गया था तो उनका रिएक्शन था कि हमें इसको तूल नहीं देना चाहिए। और उस समय के रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि हमारे पास तो उतनी शक्ति नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें। इस बार जब चीन पेंगोंग लेक पर आगे आया तो हमारे 50,000 सैनिक वहाँ खड़े हैं और LOC के पार जाकर पर्वत शिखरों पर कब्जा करके खड़े। हम ज्ञान के, विज्ञान के क्षेत्र में, हम कृषि के क्षेत्र में, हम इनोवेशन के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। कोरोना का मैनेजमेंट हमने उन देशों से बेहतर किया है जो प्रगत माने जाते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम होने का मतलब है राष्ट्र सुरक्षित हो, कोई युद्ध करने का साहस न करे, राष्ट्र की जनता समर्थ हो, प्रसन्न हो, संपन्न हो। इन सब लक्ष्यों की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह जो कहा जाता था कि यह शताब्दी भारत की होगी, वह साकार होना शुरू हो गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम साकार होता नजर आ रहा है आलोक जी को, और उन्होंने बड़े ही तरीके से बताया है जो कि किस प्रकार से भारत सर्वप्रथम होने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। हम आलोक जी से बात करेंगे कि बहुत सही आपने कहा, लेकिन इसमें जो एक जनसंख्या की समस्या है और जनसंख्या लगातार बढ़ने से जो एक अर्थ पर दबाव पड़ रहा है, उससे राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में अब कितना बाधक महसूस कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जनसंख्या की एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या ये भी है कि भारत के समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने जनसंख्या नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। वो अपने संख्या बल को बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र तरीके से रहिए, हम संख्या बल से आपको जीत लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 2 वर्ष पहले कहा था कि हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इस संबंध में कुछ योग्य व्यवस्थाएं आएंगी कि जो लोग जनसंख्या के नियंत्रण की बात को नहीं मान रहे हैं उनको भी इसको मानने के लिए परसुएट किया जा सके। जब इस देश में धारा 370 और 35 दोनों को समाप्त किया जा सकता है तो यह तो देश से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और इस समस्या पर जब तक त्वरित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भारत का विकास जो है सो बाधित होता रहेगा।
आप जो कह रहे हैं वही हमारा भी विचार है, हम भी सरकार से यही बात कह रहे हैं। आप और हम कहेंगे तो सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी, इसकी आशा रखेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है? हम इसके लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो आवश्यक कानून बनाए। ये बात ठीक है कि जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि हम दो, हमारे दो, आजकल तो एक ही हो रहा है, वो कहते हैं हम चार, हमारे 40। उनको समझाना ये हमसे ज़्यादा कानूनों का काम है। हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इसको करें। जब आपने आलोक जी बात कही जो कि सरकार जो है सो कदम उठाएगी और आप सरकार से कहेंगे, तो आज इस देश में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अभी कुछ मुद्दे पर जो ऐसो एक गलत फहमी फैलती चली जा रही है जो कि सरकार किसान विरोधी है, जबकि प्रधानमंत्री ने आज भी बताया है देश को जो कि वो किसान के हित में लगातार काम करने का प्रयास किया है और आने वाले वर्ष में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसानों के बीच में एक गलत फहमी है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद जो पारम से जमीन से जुड़ी हुई संगठन है वो किसानों के बीच में जाकर करके कुछ समझाने का प्रयास करी? हमने ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं बनाया। किसानों की कुछ आशंकाएं थी, हमको संतोष हुआ कि सरकार ने उनसे चर्चा की है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमेशा जारी रखा जाएगा, इसका वचन दिया है। प्राइवेट मंडियां, उनका कर और बाकी शर्तें सरकारी मंडी के जैसे रहेंगी, इसका वायदा किया है। विवाद की स्थिति में एसडीएम की बजाय सिविल कोर्ट में जाएंगी या किसान न्यायालय बनाएंगे, इसके लिए मान लिया है। जो कंपनियां खरीदने आई हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, इसको मान लिया है। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग उस बातचीत में जुड़ें, और जो राजनीतिक या अन्य लोग चाहते हैं कि झगड़ा होता रहे, उनके फंदे में कोई ना आए। पर मैं समझता हूँ कि ये काम सबको मिलकर करने का है, विश्व हिंदू परिषद का इसमें अलग से कोई रोल नहीं है। विश्व हिंदू परिषद वर्तमान सरकार के साथ अयोध्या के मसले पर, राम मंदिर के मसले पर भी खड़ी रही है, और राम मंदिर की शुरुआत भी इस सरकार में हो चुका है। तो एक जो सपना था राम मंदिर का, उसमें विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा ही अहम रोल रहा है, तो उस दिशा में आप क्या समझ रहे हैं जो कि सरकार कितना विश्व हिंदू परिषद को साथ लेके चल रही है? प्रश्न उल्टा है। विश्व हिंदू परिषद बनाएगी मंदिर, सरकार हमारा साथ देगी, पर जो ट्रस्ट ने मंदिर बनाना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसके ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है, और विश्व हिंदू परिषद ने भी ये निर्णय किया है कि मंदिर और वहाँ के 108 एकड़ में बनने वाली सुविधाएं, इसके लिए सरकार की मदद नहीं लेंगे, एक पैसे की नहीं लेंगे। राम के भक्तों ने राम का मंदिर बनाना चाहिए। वहाँ जो बाकी सुविधाएं हैं, म्यूजियम है, कन्वेंशन सेंटर है, सत्संग हॉल है, लंगर हॉल है, यज्ञशाला है, वैदिक पाठशाला है, ये सब की सब सुविधाएं जो उस 108 एकड़ में बनेंगी, पहले 70 था, बढ़ रहा है, हिंदू समाज इसके लिए साधन जुटाए और ट्रस्ट बनवाएगा। ये सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिर बनाए। हमने फैसला किया है कि 15 जनवरी से हम इस देश के 4 लाख गांवों में जाएंगे, 11 करोड़ परिवारों में जाएंगे, और उन 11 करोड़ परिवारों के 50-55 करोड़ लोग, उन सबसे कहेंगे कि अपना मंदिर बन रहा है, निधि समर्पण करो, उस निधि से मंदिर बनाएंगे,
सरकार का कोई सहयोग हमको अपेक्षित भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं है। सरकार तो पहले जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था और एक एक ईंट आप लोगों ने कर सेवा किया था, और जो कुछ भी आज अगर सिर्फ ये न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि विवाद के समाप्त करने के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा काम तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा ही किया गया, ऐसा सभी देश में लोग जानते हैं। तो आपने कहा जो 15 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव जाएगी और लोगों से जो है सो धन और उसके लिए सहयोग एकत्र कर करके राम मंदिर का जो है सो पूरा काम किया जाएगा। कब तक राम मंदिर बन के तैयार होने की आप उम्मीद रखते हैं? हम 2024 में आपको निमंत्रण देना चाहते हैं, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाए, मंदिर पूरा बन जाए, ऐसी हमको पूरी संभावना लग रही है। थोड़ी कठिनाई अभी आई है, वहाँ की सारी बालुई जमीन है, उसमें 1200 जगह पाइलिंग करके एक मीटर की 20-20 मीटर गहरी नींव बना रहे थे, पर जब टेस्ट किया तो वो नींव टिकी नहीं है। मंदिर की आयु 1000 साल होनी है, इसलिए थोड़ा उस नक्शे के बारे में, उसकी स्थिरता के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। पर अभी तक तो सब प्रयत्न यही है, दिशा भी यही है कि ललित जी हम आपको 2024 में कहेंगे कि परिवार के साथ आकर के भगवान के मंदिर में अपने गर्भगृह में विराजमान श्री रामलला का आप दर्शन करें। आलोक कुमार जी हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे, अभी ब्रेक का समय है, हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद फिर हम इनसे आगे की बात करेंगे। राज सर्वप्रथम कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी ने निमंत्रण दिया है जो कि राम लला की मंदिर जो है सो 2024 तक बन कर करके तैयार हो जाएगा और वहाँ दर्शन करने के लिए आना है। तो आलोक जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है जो कि 2024 में राम लला के दर्शन संपूर्ण हिंदुस्तान वासी को होगा और मेरा भी सौभाग्य होगा जो कि हम वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि विश्व हिंदू परिषद जो ग्रास रूट पर काम लगातार करती रही है और अब केंद्र में जो है सो आपकी ही सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो अभी जो एक संगठन में विभिन्न जो कार्यक्रम चलाया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, अदर जो है सो महिलाओं के कल्याण के लिए, विकलांगों के कल्याण के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम आपके विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस द्वारा जो है सो चलाया जाता है, तो क्या ये सरकार आने के बाद उसमें कुछ गति बढ़ी है या पूर्व की ही स्थिति बनी हुई? मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लड़ी है, हमारी परस्पर सद्भावना भी है, पर हम ये मानते हैं कि समाज के निर्माण का काम सरकारों का काम नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि स्वयं से भी काम उनके लिए पैसे का आधार भी समाज में होना चाहिए, सरकार में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपनी सेवा कार्यों के लिए भी सरकार के आगे हाथ नहीं पसारते, हम जनता के दरबार में जाते हैं, जनता हमको बड़ी मात्रा में उसके लिए साधन उपलब्ध करती। आज 1 लाख से ज़्यादा गांवों में एकल विद्यालय हैं, आज शहर के स्लम्स में हम सेतु योजना के नाम से काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये सब जनाधार से कर रहे हैं। सरकार विरोध नहीं करती, प्रेम करती है और इतने में हम संतुष्ट हैं। आलोक जी, अब जब बातें चल ही रही है तो हम साथ एक ऐसा सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज मीडिया का जो
आज के शासन के समय में जो एक पॉजिटिव रूप निकल कर करके सामने आ रहा है, लेकिन जनता उसे जो है सो कई जगह जो है सो ये मान रही है जो कि यह सरकार के पक्ष में यह मीडिया चली गई है। तो क्या ऐसा महसूस आप करते हैं जो कि मीडिया वन साइडेड हो गई है, सिर्फ सरकार की बात कर रही है जनता? चूंकि हम यह सवाल इसलिए कर रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद जमीन से जुड़ी हुई संगठन है और सरकार तो सत्ता के लिए होती है, तो सरकार के पक्ष में जाना, तो क्या जनता की आवाज़ जो है सो दब गई है? क्या विश्व हिंदू परिषद संदर्भ में इसको टेस्ट करना चाहिए कि क्या सारा मीडिया सरकार का समर्थन कर रहा है? अगर आप रवीश जी का चैनल देखेंगे तो शायद इसका समर्थन नहीं होगा। अगर आप एक्सप्रेस और हिंदू की भाषा को पढ़ेंगे तो शायद इसका समर्थन नहीं होगा। और फिर प्रेस को तो दोनों चीज़ें छापना है, राहुल गांधी तक के बयान छापने पड़ेंगे ना उनको, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के व्यक्ति हैं। मैं तो आपके आंदोलन का भी स्वागत करता हूँ, आपका आंदोलन पॉजिटिव न्यूज़ के लिए है। आदमी ने कुत्ते को काटा, यही खबर क्यों होनी चाहिए? कुछ अच्छा है वो खबर क्यों नहीं होनी चाहिए? कुछ क्रिएटिव है वो खबर क्यों नहीं होनी चाहिए? अखबार के पहले पेज पर बलात्कार हत्या आंदोलन ऐसा करके समाज के मन में निरंतर तनाव क्यों बनाए रखना चाहिए? इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ का भी अपना एक स्थान है, और मीडिया अगर अच्छी बातों को छापती है सरकार की तो अपना कर्तव्य पूरा करती है, इसमें मुझे अन्यथा कुछ नहीं लगता। अपने मीडिया के बारे में भी बहुत ही अपना सही अर्थ में आपने रखा जो कि मीडिया का क्या स्वरूप होना चाहिए। एक सवाल और बात चली है तो मैं जान लूं, जो किसान के बाद मजदूर, क्योंकि किसान तो खेत में काम करते हैं और किसान के साथ साथ मजदूर भी काम करता है, और अब तो महानगर में भी बहुत सारे मजदूर, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बहुत तरह के रोज़गार हैं, और इस कोरोना काल में जो है सो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई अपने प्रदेश लौटना चाहते थे और फिर वहाँ उन्हें जो है सो काफ़ी परेशानी का सामना हुआ, फिर वो लौट कर करके महानगर में आ गए हैं। तो आपका जो मजदूर संगठन है, आपके का कहने का तात्पर्य विश्व हिंदू परिषद का जो मजदूर संगठन है, मीडिया संगठन है, वो सब जो है सो काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहा इस सरकार से। विश्व हिंदू परिषद का कोई मजदूर संगठन नहीं, सरकार से अपेक्षाएं सबको करना चाहिए, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं होती हैं, जो नहीं होती हैं उनके लिए आग्रह करना चाहिए, आग्रह ना सुना जाए तो लड़ना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का असेंस है, इसलिए अगर कुछ मजदूर संगठन कुछ मांगों को रखते हैं तो सरकार ने उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था, 42% लोगों के पास रोजगार नहीं था, कोई भूखा नहीं सोएगा ऐसा हमने आह्वान किया था, और सारे समाज ने मिल करके मंदिर आश्रम मठ सबने मिलकर, गुरुद्वारे सबने मिलकर के इस बात को सुनिश्चित किया कि रोजगार नहीं है तो भी भोजन की कमी नहीं आए, कोई भूखा नहीं सोए। और अभी भी जो गांव चले गए उनको गांव में काम मिले, जो लौट आए उनको शहर में काम मिले, और जब तक काम नहीं मिलता हम उनको कुछ सपोर्ट करें, इसका प्रयत्न समाज भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। कुछ कमी बेशी होगी तो मजदूर संगठन सोचेंगे, विश्व हिंदू परिषद का वह सीधा क्षेत्र नहीं।
जन्मदिन है अटल जी का, सारा देश अटल जी का जन्मदिन पे उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धासुमन अर्पित किया है। तो आपसे आज मुलाकात हो रही है, तो आपका तो अटल जी से बड़ा ही नज़दीकी संबंध रहा है, तो कुछ संस्मरण ऐसे जो आप शेयर करना चाहें। मुझे अटल जी बहुत याद आते हैं। अटल जी अजात शत्रु थे, कोई उनसे विरोध नहीं करता था, सबसे बात होती थी। मुझे लगता है कि आज देश में बड़े राजनीतिक दलों में, बड़े लोगों में अपने विरोध के चलते हुए भी मिलकर बैठना और बात करना ये कम हुआ है। मैंने कहीं राहुल गांधी जी का एक बयान पढ़ा था कि 5 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री जी से बात नहीं हुई। किसको शुरू करना चाहिए मुझे पता नहीं, पर अटल जी के समय बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालने का जो प्रयत्न था वो मुझे स्मरण आता है, और मुझे लगता है कि उसकी देश को आवश्यकता है। राजनीति में विरोध होता है, शत्रुताएं नहीं होती। अटल जी का वो व्यक्तित्व था, और सबको सहज करना, सबको साथ लेके चलना एक अद्भुत क्षमता थी। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था। इतने बड़े वकील थे, वकालत को बीच में छोड़ करके वो समाज के काम में जुट गए थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है, जिन्होंने शुद्धि का आंदोलन चलाकर 30,000 मुसलमानों को एक ही साल में वापस हिंदू बना लिया था। एक धर्मांध व्यक्ति ने आज ही के दिन उनकी हत्या की थी। पर्यावरण की सुरक्षा, वनस्पति प्रेम के लिए आज तुलसी जयंती भी है, और यह सब पुण्य अवसरों के साथ में आज क्रिसमस का भी दिन है। तो आज का दिन ऐसा है जिसमें बहुत सारा शुभ इकट्ठा हो गया है, बहुत सारा आनंद इकट्ठा हो गया है। बलिदान दिवस होने के कारण संकल्प का भी दिन हो गया है। आपने कहा तो मैं इन सब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। एकदम सही, बहुत ही आपने बहुत सारी जानकारी दे दी। और ये सप्ताह ही, ये जो 7 दिन का सब जो है दिन, 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, ये तो बलिदानों का ही दिवस है, जब पूरा का पूरा परिवार ही जो है सो बलिदान ने दिया इससे हिंदुत्व की रक्षा के लिए। जी, जी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद बहादुर से उनके साहबजादों का मैं सोचता हूँ कि अगर याद करना है तो फिर उनके साहबजादों को याद करना चाहिए, उस दीवार को याद करना जिसमें वो चुने गए थे, उस ठंडे बुर्ज को याद करना जिसमें रात में उनको रहना पड़ा था, उस परिवार को याद करना जिसने उन दोनों बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध भिजवाया था और इस अपराध में उन्हें गन्ना पेरने की मशीन में सारे परिवार को पेर दिया था, और उनके संस्कार के लिए टोडरमल ने कहा मैं ज़मीन खरीदूँगा, नवाब ने कहा सोने के सिक्के खड़े कर और जितने सिक्के जितनी जगह आती है उतनी जगह मैं तेरे को दूंगा, दुनिया की सबसे महंगी जमीन। वास्तव में स्मरण करने के योग के समय। तो आलोक जी, राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम, राष्ट्र सर्वप्रथम यही चीजें राष्ट्र के सामने रखना चाहता है, क्योंकि आज़ादी हमें मिली, आज़ादी के लिए 7.5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दिया और हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी के आज 73 वर्ष बाद भी उन बलिदानियों को, उन क्रांतिकारियों को सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया, और 9 अगस्त को रमेश नगर स्थित शहीद स्मारक पर जब हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत, तो 1857 आंदोलन के नायक मंगल पांडे के वंशज हों या चंद्रशेखर आज़ाद जी के वंशज हों
चाहे राजगुरु के, सुखदेव के वंशज हों या बहादुर शाह जफर के वंशज हों, सभी द्वारा यही मांग किया जाता है कि उनको, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया, उन्हें शहीद का दर्जा सरकार कब देगी। तो आप चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष हैं, एक बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा पद है, तो हम आपसे आज यह भी जानना चाहेंगे, क्या आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और नहीं दिया गया है अब तक, तो क्या आप? बहुत लोगों का सम्मान इस सरकार ने किया है। मुझे ध्यान है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय एक निर्णय हुआ, अंडमान की सेलुलर जेल में जहां सावरकर रहे थे, तो एक मशाल जलती है वहां पर हर समय, उसके चार तरफ चार लोगों के कोटेशंस थे, सावरकर का भी था। उस समय के तेल मंत्री मणिशंकर अय्यर, उन्होंने सावरकर का वह कोटेशन और नाम वहां से हटा दिया था। शहीदों के प्रति इतना अपमानजनक भाव सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस के नहीं थे, ये उनकी संस्कृति थी। जो लोग क्रांतिकारी थे उनके प्रति इतिहास में से उपेक्षा का भाव, ये इसके पहले वाली सरकारों की बात थी। कांग्रेस के अलावा भी देश के आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उन सबके योगदान को स्वीकार करना चाहिए, उन सबको नमन करना चाहिए, और उनमें से कोई छूट गए हों तो ज़रूर वो सरकार के ध्यान में लाकर उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। ये थे हमारे साथ आलोक कुमार जी, जिन्होंने जमीन की हकीकत से लेकर करके राजनीति के शिखर तक की बातें और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और बलिदानियों तक की बात रखी है राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्र प्रथम के इस कार्यक्रम में आप आए, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के बसईदारापुर में एसीबी ने किया भ्रष्टाचारी जेई और एई को गिरफ्तार। 50,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने जेई और एई को गिरफ्तार किया है। इसकी सूचना देते हुए पीड़ित श्रेय सिंह ने सोमवार को एसीबी को बताया था कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के जेई विपिन और ए दिनेश उससे 13,50,000 रुपए का बिल पास करने के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। एसीबी ने शिकायत के बाद टीम गठित कर रंगे हाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई, जिसके तहत केमिकल लगाकर नोट शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवा दिए गए। ठेकेदार श्रेय सिंह ने जेई विपिन कुमार, जो बसईदारापुर स्थित डिवीजन 9 दफ्तर में पदस्थापित है, उन्हें 14,000 और एई दिनेश कुमार को 36,000 रुपये दिए। बसईदारापुर में विभाग से जुड़ी इमारत बन रही है और श्रेय सिंह उसका ठेकेदार है। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने दोनों को जब गिरफ्तार किया और हाथ धुलवाया तो हाथ से रंग निकलने लगे जो नोट पर लगाए गए थे। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, विभाग को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अधीन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग आता है और विभाग की इमारत बनने में जब जेई और ए रिश्वत लेते गिरफ्तार हो तो आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक भारत की राजधानी दिल्ली में है और इसे दीमक की तरह विकास को चट कर रहा है। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर में वर्षों से जारी अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य प्रारंभ हुआ। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट, मार्बल मार्केट और इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े पैमानों पर सड़कों एवं गलियों में अतिक्रमण है। राष्ट्र सर्वप्रथम